मुझे हैरानी होती है कि सैफ अली खान मेरे साथ काम कर चुके हैं, मेरा बेटे बने थे पता नहीं क्या, शक्तिमान थी उस फिल्म का नाम, अच्छे आदमी है, संस्कृत सुसंस्कृत आदमी है, अदब से नवाब की तरह बातें करते हैं साहब। उन्होंने जब पहली बार जब महाभारत का किया, आई एम प्लेइंग महाभारत रावण का रोल एंड मैं उसको ह्यूमरस बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा था ओए आपके अपने धर्म में कर सकते हो ऐसे, वो आदमी के खिलाफ मैं बोल गया था, मैंने कहा आपको कोई एक्टर नहीं मिला जो थोड़ा कद्दावर हो क्या, सैफ अली खान से लंबा चौड़ा कोई आपको एक्टर नहीं मिला, माफ करना मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, कास्टिंग के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो उसकी हाइट इतनी महाभारत के रामायण के रावण की हाइट नहीं थी, रावण कद्दावर था, बाल को क्या किया सर नाई के, आजकल के जो मॉडर्न कटिंग में उसने खुद के कटिंग में लगा के महाभारत, यही चीज अक्षय कुमार ने की थी पृथ्वीराज चौहान में अपने ही खुद के नो 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 विग नथिंग, और क्या फिल्म का हाल हुआ था। यहाँ भी यही हाल है कि ये आदमी अपने आप को खिलजी की तो दाढ़ी लगा दी ऊपर से, मोहम्मद खिलजी की बाल देखो तो साइड से दिखते हैं कि अभी अभी जाके सैलून में कटवा के आए, रावण ये करता है, किसी ने कहा कि उन्होंने रावण को तो रॉकस्टार बना दिया है, कुछ पता नहीं कुछ वीणा बजाता है पता नहीं कुछ बजाता है, ठीक है वो रावण था संगीत प्रेमी में भी, पर उसके बाद में फिर ये बताते हैं कि रावण जो है वो नाग के शैया पर लेटता था। आप सैफ अली खान को क्यों बनाते हो, आपको कोई नहीं मिला एक्टर, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, फिजिकल कास्टिंग इज मस्ट फॉर अ हिस्टोरिकल फिल्म, आपको पृथ्वीराज चौहान जी, आप देखिए अकबर बन गया था, हमारे पापा जी मुगले आजम में अकबर का रोल कर गए थे, किसी माइके लाल को आप अकबर का रोल पतले से पतला करके किसी फिल्म में लेकर आओ अकबर बना के लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आइकॉन बन गया है, भीष्म पितामह माफ करना मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आइकॉन बन गया है, अब कोई भी आप बंदा करेगा मुकेश खन्ना से कंपेयर होगा, अरुण गोयल राम कर गया है, कोई भी करेगा लोग कंपेयर किया, मैंने प्रभास को सलाह दी, मैंने कहा आप क्या समझते हैं सिर्फ राम बनने के लिए सिर्फ बॉडी चाहिए, सब माइंड चाहिए, उसके विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा समझना पड़ेगा, मैंने कहा चलिए छोड़िए अगर कुछ न मिले तो अरुण गोविल को देख लिया होता इंस्पायर वहां से हो गए तो मालूम पड़ेगा कि वो ऐसे बात करता ऐसे बात नहीं करता, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी उन्होंने चैलेंज नहीं किया कि ब्रह्मास्त्र चला दूंगा मैं, मुझे बताया गया कि समुद्र को चैलेंज करते, अरे रही साहब तभी तो उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये कृष्ण कर सकते हैं, 17 कलाओं के हैं ये, 14 कलाओं के राम थे ये शालीन थे, अगर किसी को डांटना भी हो तो हाथ जोड़ के डांटेंगे, देखिए ये मेरी बात मान लीजिए,